Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic regression equations when deviations are taken from assumed mean. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर x और y के जो एक्चुअल मीन्स हैं वो अगर फ्रैक्शन में आते हैं तो उस केस में कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एज्यूम्ड मीन से भी डेविएशन को डिटरमाइन करते हुए रेग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रेग्रेशन इक्वेशन को कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। यहाँ जो प्रोसीजर है, एक्चुअल मीन वाला जो प्रोसीजर मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, सेम रहेगा। केवल रेग्रेशन कोफिशियंट्स को डिटरमाइन करने के रेफरेंस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। जैसे पहले हम बात करते हैं रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई की, तो यहाँ जो इक्वेशन होगी वो सेम होगी, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। जहां हमने बताया था आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई रेग्रेशन कोफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू को हमने डिटरमाइन किया था एक्चुअल मीन वाले केस में समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन वाई स्क्वायर से, लेकिन यहां हम जब एज्यूम्ड मीन लेके चलेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अलग फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या रहेगा, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन अंडरवुड एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर और कंप्लीट का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से अंडरवुड कट जाएगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई होल स्क्वायर। दैट इज क्लियर। और इसी तरीके से अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है बाई ऑन एक्स वाली, तो इसके लिए हम फॉर्मूला एडॉप्ट करेंगे, क्वेश्चन फॉलो करेंगे, बाई माइनस बाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। दैट इज क्लियर। और यहां हम जो आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला रहेगा एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन में, क्योंकि सिग्मा एक्स है इसी वजह से एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। यहाँ डी एक्स क्या है, एक्स माइनस ए एक्स, और डी वाई क्या है, वाई माइनस ए वाई। जहाँ ए एक्स क्या है, एज्यूम मीन ऑफ एक्स सीरीज, और ए वाई क्या है, एज्यूम्ड मीन ऑफ वाई सीरीज। दैट इज क्लियर। अब इसके रेफरेंस में एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। द न्यूमेरिकल इज एज फॉलोज, ऑब्टेन द लाइंस ऑफ रेग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्स और बाई की डिफरेंट वैल्यूज आपको दे रखी हैं। ऑल्सो कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशियंट, ठीक है। तो यहां आपको डिटरमाइन करना है रेग्रेशन इक्वेशंस को और उसके साथ साथ कोरिलेशन कोफिशियंट को भी, ठीक है। तो पहले मैं एक टेबल तैयार करूंगा, यहां पर इस तरीके से टेबल तैयार हो जाएगी। यहां मैंने एक्स की वैल्यूज को नोट डाउन कर रखा है 4, 5, 6, 8, 11, और बाई की वैल्यूज को नोट कर रखा है 12, 10, 8, 7 और 5। यहाँ मैंने मान लिया कि जो एज्यूम मीन ऑफ एक्स है वो 6 के इक्वल है और जो एज्यूम मीन ऑफ वाई है वो 8 के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने सपोज कर लिया है। ऐसा क्यों सपोज करना पड़ा, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, एक्स का टोटल निकालिए, 4, 5, 9, 6, 15, 15 और 11, 26 और 8, 34। तो ये समेशन एक्स आ गया, दैट इज इक्वल टू 34। और यहाँ वाई का टोटल निकालिए, समेशन वाई इज इक्वल टू 12 और 10, 22 और 8, 30 और 37 और 5, 42। नंबर ऑफ आइटम्स कितने इसमें, 5 है। 34 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, ये एक्स बार निकाल लेते हैं, जो तो पड़ेगी हम एक्स बार की, तो एक्स बार निकाल लेते हैं, तो एक्स बार निकलेगा समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन एक्स आया 34 डिवाइड बाय 5, 5 × 30, ठीक है, और 5 × 40 6.8 आएगा, ठीक है। ऐसे जब आप बाई बार निकालोगे तो बाई बार आ जाएगा समेशन बाय अपॉन एन, समेशन बाय कितना आपके पास 42 अपॉन 5, 5 × 40 और 5 × 20 8.4। तो एक्स बार की वैल्यू आई 6.8 और बाई बार की वैल्यू आ गई 8.4, और दोनों ही किसमें है, डेसिमल में है। तो अगर मैं इसके बेसिस पर कैलकुलेशन फॉलो करूंगा ये टफ हो जाएगी, तो इसको इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन को फोकस किया है, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो पहले निकालना मुझे डी एक्स की वैल्यू को। तो डी एक्स मतलब एक्स माइनस सिक्स, 4 − 6 − 2 5 − 6 − 1 6 − 6 0 8 − 6 2 11 − 6 5। इसका स्क्वायर निकाल लीजिए 4 1 0 4
और 5 का स्क्वायर रहेगा 25, ठीक है। ऐसे आप निकालिए y माइनस 8, dy की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 12 माइनस 8 4, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 8 माइनस 1, 5 माइनस 8 माइनस 3, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का 9। अब dx dy निकालना है, तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो यह आएगा माइनस का 8, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से यह आएगा माइनस का 2, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2, 5 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस का 50। ये वैल्यू जगह अब इनका हम निकाल लेते हैं टोटल सभी का। तो पहला समेशन dx का टोटल निकालते हैं, 5 है तो 7, 7 है तो 2 गया 5, 5 बचे गया 4, तो dx का टोटल आ गया 4। अब निकालिए समेशन dx स्क्वायर, इसका टोटल निकाल लेते हैं, 4 और एक 5 और 4 9 और 25 और 9 दैट इज 34, यानी कि 34 आ जाएंगे। अब निकाल लीजिए समेशन dy का, तो 4 तो 6 में से 1 गया 5 में से 3 गए 2, ठीक है, ये प्लस का 2 आ गया। dy स्क्वायर का टोटल निकाल लीजिए, तो समेशन dy स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 16 और 4 20, 20 और 21 और 9 30, ये dy का स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा समेशन dx dy, इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा आपका माइनस 8, सब माइनस में, तो 8 और 10 और 12, 12 और 10 22 और 5 27, तो आएगा माइनस का 27। तो यहाँ आपने इस तरीके से यहाँ डिफरेंट वैल्यूज को ऑब्टेन कर लिया। अब मैं बात करूंगा अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो पहले हम बात करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, है ना, x ऑन y की, x माइनस x बार इजिकल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इंटू बाई माइनस बाई बार, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इंटू बाई माइनस बाई बार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। अब पहले हम यहाँ निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा बाई की, ये वैल्यू क्या बैठेगी, ये वैल्यू बैठेगी आपकी एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन एन समेशन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन में सिग्मा वाई है, इधर नीचे वाई का पॉइंट चलेगा यहाँ पर। तो पुट डाउन द वैल्यूज, एन की वैल्यू 5 इंटू समेशन डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू है माइनस का 27 माइनस समेशन डी एक्स 4 समेशन डी वाई 2 अपॉन एन 5 समेशन डी वाई स्क्वायर दैट इज 30 माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर, समेशन डी वाई का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई हमारी। अब 27 पंजे 5 पाँच सत्तर 35 135, तो माइनस का 135 और माइनस का 8 डिवाइड बाय 5 से 15 150 माइनस 4 135 और 8 143, उसको ऊपर कर लेता हूँ, विजिबल नहीं होगा आपको, 135 और 8 143 माइनस का 143 अपॉन 150 माइनस 150 माइनस माइनस 4 ये आएगा आपके पास 146 और 143 अपॉन 146, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.979। ये आगे वैल्यू, अब इस वैल्यू को मुझे इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करना है। सो वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या बनेगा वैल्यू, में एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है, एक्स वन की वैल्यू है आपके पास 6.8 जो आपने पीछे डिटरमाइन करी थी, इजिकल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा फाइव, इसकी वैल्यू आपने निकाली माइनस का 0.979
और ब्रैकेट में बाई माइनस बाई बार, बाई बार की पहली बार के पास 8.4, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास क्लियर है। आपको क्या करना है यहाँ पर, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस 6.8 इक्वल टू माइनस का 0.979 इंटू बाय, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 0.979 की जब आप 8.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8.224, ठीक है। अभी 6.8 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू, अब ये जोड़ देंगे अभी से आप तो जाएगा 15.024 माइनस 0.979 बाय। तो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन बाय, ठीक है। नाउ सेकंड वी विल फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बाय ऑन एक्स, क्या बनेगी इक्वेशन, बाय माइनस बाय बार इज इक्वल टू आर सिग्मा बाय अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। वैसे इक्वेशन नंबर टू डाल दिया, अब यहाँ पहले हम वैल्यू निकालेंगे आर सिग्मा बाय अपॉन सिग्मा एक्स की, क्या होगी वैल्यू, ये वाली जाएगी एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुट अप करेंगे, ठीक है। नाउ पुट डाउन द वैल्यूज, एन की वैल्यू कितना आपके पास 5, समेशन डी एक्स डी वाई की वैल्यू आपके पास -27, ठीक है, माइनस समेशन डी एक्स की वैल्यू आपके पास 4 और समेशन डी वाई की वैल्यू है 2 अपॉन एन की वैल्यू 5, समेशन डी एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है 34 जो आपने डिटरमाइन किया है, और समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 27 कितने जाएंगे 135, तो जाएगा माइनस का 135 माइनस का जाएगा 8 बटे 5×20 5×15 = 17 माइनस 4×16 135 × 8 ये जाएगी आपके पास 143 माइनस का 143 अपॉन 170 में माइनस करेंगे 10×6 = 4 और यहाँ बचेंगे 5 10×6 = 4 6×6 = 5 154 तो माइनस का 143 बटे 154 और ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली माइनस का 0.929, ठीक है। दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस का 0.929। चलिए यहाँ पर मेरे पास आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं मूव करता हूँ इक्वेशन नंबर टू पर, फ्रॉम इक्वेशन टू सारी वैल्यूज पुट अप कर दीजिए यहाँ पर जो जो आपके पास अवेलेबल है, बाई माइनस बाई बार की वैल्यू कितनी है 8.4 इजिकल टू आर सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एक्स, इसकी वैल्यू आपने निकाली है माइनस का 0.929 ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है 6.8, ठीक है। अब वैल्यूज इन्हें सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा माइनस का 0.929 इंटू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस होगा 929 की जवाब 6.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 6.317, ठीक है। तो इससे आपका करना आपको बाय इज इक्वल टू 8.4 को प्लस कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आएगा माइनस का 0.929 इंटू एक्स प्लस, जब 8.4 प्लस करेंगे तो 8×14 हो जाएगा 14.717। So this is how you can get the regression equation of y on x. या तो क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या ऑप्टेन करना है, अब हमें पता करना है कोरिलेशन कोफिशियंट। तो थर्ड हम बात करते हैं कोरिलेशन कोफिशियंट की, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, आर इजिकल टू अंडर रूट
बी एक्स बाय इंटू बी बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी मैंने आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, इसकी वैल्यू निकाली थी माइनस का 0.979 और ऐसे ही मैंने बी बाई एक्स की वैल्यू निकाली थी माइनस का 0.929 ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल जाएगा, जब 0.979 की 0.929 से मल्टीप्लाई करके इसका आप अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी निकल कर 0.954। अब हमें बात आती है साइन की, तो साइन मैंने पहले भी बताया आपको कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों के नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब आर का भी साइन माइनस होगा, तो यह जो आर की फाइनल वैल्यू होगी दैट विल बी -0.954। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट रेगुलेशन कोफिशियंट, रेगुलेशन इक्वेशंस एंड कोरिलेशन कोफिशियंट। थैंक यू।